नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस शेयर के बारे में। मोहित पेपर मिल्स कंपनी का नाम है, 16 रुपये का भाव अभी ट्रेड कर रहा है। और आप लोग देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है, जून 2022 में 52 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलती है। मार्च 2022 में ये सेल्स 43 CR की थी एंड जून 2021 में 26 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि कंपनी की जो नेट सेल्स है उसमें भी एक अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो एक अच्छी बात है। वहीं बात करते हैं कंपनी का EPS या नेट प्रॉफिट, तो 1000% के आसपास यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अप हुआ है। तो काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करके दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर 85 लाख का तो प्रॉफिट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई प्रॉफिट 85 लाख का हो, 10 रुपये का हो, एटलीस्ट कंपनी इज मेकिंग समथिंग, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया TTML की तरह, दूसरी कंपनियों की तरह लॉस मेकिंग होने के बावजूद प्राइस इतने ऊपर ट्रेड कर रहा है, समझ गए। वहाँ पर आपको फंसाने वाला काम होता है, यहाँ पर आपको शायद ना हो। अगर इस स्टॉक को भी आपको बाय करना तो मैं यही बोलूंगा, यू मस्ट वेट फॉर द राइट प्राइस। अब राइट प्राइस क्या होगा उसके लिए मैं आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अंत तक बने रह सकते हो। तो यहाँ पर आप तो देखिए 1000% के आसपास का यहाँ पर EPS हमें देखने को मिलता है, मतलब अर्निंग इंक्रीज हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी का लॉस था, लॉस टू प्रॉफिट पे कंपनी आ चुकी है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है, सुझाव है, आप इसे कॉमेंट दर्ज करा सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा चार्ट के बारे में बात करते हैं इसके, और शूटिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। बाकी दोस्तों आप बात करते हैं कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगातार कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे रही है। श्योरिटी पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 61 थी, जो बढ़कर 64% हो चुकी है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार स्टॉक में इंक्रीज हो रही है एंड पब्लिक की होल्डिंग मात्र 35% के आसपास हमें देखने को मिलती है। साथ में अगर बात करते हैं प्राइस कैसा है, तो प्राइस के लिए मैं लेके चलता हूँ इसके चार्ट में, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं स्टॉक का जो बुक वैल्यू 23 रुपये के आसपास की है, मतलब 23 रुपये के आपके इमीडिएट टारगेट रह सकते हैं, ठीक है। ये आपके टारगेट रह सकते हैं स्टॉक के। ROC पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर आप देखो कंपनी एक अच्छे नंबर दे सकते हो, कंपनी दे चुकी है अच्छे नंबर, राइट। अब थोड़ा बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देख लेते हैं। BSE का पेनी स्टॉक है तो वॉल्यूम डेफिनेटली थोड़ा सा लेस आता होगा, BSE का शेयर है, क्योंकि देखो वॉल्यूम थोड़ा स्टॉक में कमी आता है, लेकिन डिलीवरी 100% की हमें देखने को मिलती है। चार्ट पर ना आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा यहाँ पर मंथली इनसाइड पर कैंडल बना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्यारा सा पैटर्न बना है। तो अगर आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा 13 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दिस इज माई स्टॉप लॉस, 13 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड यू कैन वेट फॉर टारगेट ऑफ 25 से 30 रुपये के लिए आप इंतजार करते हो टारगेट के लिए, ठीक है। 13 रुपये का आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ 13 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि यही मुझे एक स्टॉप लॉस नजर आता है चार्ट में, बाकी कोई स्टॉप मुझे नजर नहीं आता है। दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड यू कैन वेट फॉर टारगेट ऑफ 20-25 एटलीस्ट, ये स्टॉक आपको यहाँ तक कटाकर दिखा सकता है, राइट। तो बस इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, जो चीज़ आपको बताइए प्लीज उसको फॉलो करो। और स्टॉक ऑलरेडी देखो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि पैसा कमा के नहीं दिया, इसने दिया है। 4 से स्टॉक आपका 30 रुपये तक गया था, ठीक है। तो बाकी एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। और बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले